खबर छतरपुर से है, जहां बमीठा थाना अंतर्गत ग्राम गढ़ा में 9 मई को खेत मालिक गणेश चौबे और बटाईदार सुरेश पटेल पर अज्ञात आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया था। छतरपुर के फरियादी सेवक राम चौबे की रिपोर्ट पर बमीठा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना करते हुए मामले के संदेही नए बटाईदार पवन कुशवाहा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि आरोपी पवन कुशवाहा ने खेत मालिक गणेश चौबे की जमीन बटाई पर ली थी। आरोपी पवन खेत मालिक को बगैर बताए 6-7 दिन के लिए अपने गांव चला गया। जब गांव से वापस आया तो मालिक ने फसल की रखवाली ना करने की बात का उलाहना दिया। इसी बात पर गुस्साए आरोपी ने खेत मालिक और पुराने बटाईदार सुरेश पटेल पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। 9 तारीख को ग्राम गढ़ा जो बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां पर एक घटना हुई थी जिसमें खेत में दो व्यक्ति घायल अवस्था में पाए गए थे। दोनों को गंभीर चोटें थी जो आगे रेफर भी हुए। तो उनको उनके द्वारा उन पर किसने जानलेवा हमला किया, ये एक संशय बना हुआ था जिसमें हमारी टीम लगातार लगी रही और बमीठा थाना क्षेत्र बागेश्वर चौकी की जो टीम है उन्होंने लगातार लग के इसमें आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पवन कुशवाहा गढ़ी मरैला थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी है और घटना इस प्रकार से समझ में आई कि जो पीड़ित हैं जिन पर दोनों पे हमला हुआ उसमें एक व्यक्ति मालिक है और एक पुराना बटाईदार है। तो जो आरोपी है वो नया बटाईदार है, वो 5-7 दिन के लिए बिना बताए फसल की रखवाली ना करते हुए कहीं चला गया था। जब लौटा तो मालिक ने और पुराने बटाईदार ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ बिना बताए चले गए थे, तो उस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ और इसने उन पर हमला किया। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आने वाले समय में यदि कुछ और विषय संज्ञान में आएगा तो उसे इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाएगा।